हेलो दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी भाइयों और बहनों का हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार वाले अच्छे होंगे, यही मैं कामना करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हर मंथ यानी कि हर महीने आप लोगों को बताता हूँ कि अगस्त के महीने में मतलब किस महीने कितने दिन ओपीडी बंद रहेगी। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो है कि अगस्त के महीने में पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ की ओपीडी कितने दिन बंद रहेगी। तो वीडियो पूरा देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच सके। और बात करने के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी और आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी शो कर रही होगी। तो यहाँ पे जाओ और जाके फॉलो करके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हो और हमसे बात भी कर सकते हो। तो चलो वीडियो को भाई शुरू करते हैं। हमारे पास में ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। ये मान के चलिए कि आप हर वीडियो में हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर जो फार्मासिस्ट का जो पेपर हुआ था उसकी डीवी जो है कब होगी। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो दोस्तों वो हमको पता है, वो भी ये वीडियो देख रहे हो सकता है। तो मैं दोस्तों देखिए, जो लोग भी यहाँ पे एग्जाम दिए थे जिनका अभी तक डीवी नहीं हुआ है, मैं बहुत जल्द दोस्तों जो है मालूम करूंगा, जाके बताऊंगा। बस आप मुझे सिर्फ 1-2-3 दिन का टाइम और दीजिए, मैं सर से मालूम करके जहाँ पे ये मालूम होता है एडम ब्लॉक में वहाँ पे, तो जो भी भाई वहाँ पे सर होंगे तो मैं आपको क्यों मतलब क्या प्रोसेस से आगे का या क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों इतना डिले हो रहा है, तो फिर से मैं जाके मालूम करता हूँ। बस 2-3 दिन का टाइम दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और बताऊंगा कि जो है अगस्त के महीने में कितने दिन ओपीडी जो है बंद रहेगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने एक स्पेशल वीडियो बना भी चुका हूँ आप सभी लोगों को, मैं बहुत पहले बता दिया था कि हर संडे को यानी कि रविवार को जो है पीजीआई हॉस्पिटल की ओपीडी बंद रहती है। तो इस महीने भाई देखिए टोटल 4 संडे पड़ रहे हैं। पहला जो है ये 4 तारीख को है और ये दूसरा जो है 11, तीसरा 18, 25। तो भाई इस महीने 4 संडे हैं, 4 तारीख, 11 तारीख, 18 और 25 तारीख को। तो भाई इस तारीख को रविवार को तो हमेशा ओपीडी बंद रहती है। इसके अलावा जो दोस्तों जो है एक पहली छुट्टी है भाई, वो याद रखिएगा, आपको बताते हैं 1 मिनट। तो संडे को तो ओपीडी बंद रहती है। अब मैं बात करूंगा कि वो 2 दिन कौन से हैं जो संडे को छोड़ के ओपीडी बंद रहेगी। तो भाई एक है, मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ ना तो ऐसे याद भी रहेगा। तो भाई एक ये देखिए जो है 15 अगस्त, 15 अगस्त, TH DAY भाई 15 अगस्त थर्सडे को, ठीक है, यानी कि बृहस्पतिवार को। ये बृहस्पतिवार हो गया और एक हो गया भाई 26 तारीख को, यानी कि दिन सोमवार को, मंडे। तो भाई 15 अगस्त को जो है वो है इंडिपेंडेंस डे, यानी कि भाई उस दिन अपना भारत जो है आजाद हुआ था। और दूसरा है भाई 26 तारीख सोमवार को, तो भाई इस दिन पड़ रहा है जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो भाई इस महीने कुल मिला के केवल 2 दिन ओपीडी बंद रहेगी, पहला 15 तारीख को और दूसरी 26 तारीख को। तो भाई याद रखिएगा, ये हो गया 26 अगस्त। तो दोस्तों जो है ये 15 तारीख को और ये दूसरा जो है 26 तारीख को, 2 दिन जो है ओपीडी बंद रहेगी।
15 अगस्त को और 26 तारीख को जन्माष्टमी के दिन। और आप लोगों के मन में ख्याल और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या रक्षाबंधन को ओपीडी बंद रहेगी, तो भाई रक्षाबंधन के दिन जो 19 तारीख को पड़ रहा है सोमवार के दिन, तो भाई उस दिन ओपीडी बंद नहीं रहेगी। यानी कि 4 संडे जो है उस दिन और बाकी जो 15 अगस्त है और 26 तारीख है, टोटल 6 दिन जो है ओपीडी इस महीने बंद रहेगी। मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है, बता दिया है आप लोग, इसलिए मैंने इसमें लिख भी दिया है ताकि आपको याद रहे। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। और भाई क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, इतना मतलब किराया भाड़ा वेस्ट करके, पूरा दिन वेस्ट करके, और जब वो यहाँ पे आएंगे ओपीडी बंद रहेगी तो कितना दुख होता है। एनी वे इसलिए मैं आप लोगों को हर महीने बता देता हूँ कि ओपीडी कितने दिन बंद रहेगी। भाई चैनल पर जितने भी लोग हैं, जितने अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको लखनऊ के SGPJ हॉस्पिटल से संबंधित जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।